हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कुकिंग चैनल कुक विद नीरू गुप्ता में। आज मैंने क्रीमी चॉकलेट आइसक्रीम बनाई है। अगर आप भी बिल्कुल परफेक्ट क्रीमी आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्रीमी चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ml मिल्क, 1 टेबलस्पून ड्रिंकिंग चॉकलेट, 1 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर, 1/2 कप शुगर, 1 टेबलस्पून प्लस 1 टीस्पून GMS पाउडर, 1/4 टीस्पून CMC पाउडर, 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, 1 टेबलस्पून प्लस 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 4-5 स्पून फ्रेश क्रीम। सबसे पहले बिना उबले हुए दूध में से 1/2 कप दूध लेंगे और उसे कढ़ाई में डालेंगे। बाकी का दूध हम बाद में यूज़ करेंगे। साथ ही साथ डाल देंगे 1/2 कप चीनी और इसमें एक उबाल आने देंगे। पैचुला से थोड़ा मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब बाकी बचे हुए दूध को एक बाउल में डाल लेंगे, साथ ही साथ उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून CMC पाउडर, साथ ही साथ 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून GMS पाउडर डालेंगे। अब डालेंगे 1 टेबलस्पून प्लस 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर। फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट्स की मात्रा इसी प्रकार से डालें। अब डालेंगे कस्टर्ड पाउडर 1 टेबलस्पून, यहाँ मैंने वनीला फ्लेवर यूज़ किया है। 1 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर डाल देंगे। 1 टेबलस्पून ड्रिंकिंग चॉकलेट डालें। विस्कर की सहायता से सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी गांठ ना रहे। तैयार किए हुए घोल को बॉयल हुए दूध में डाल देंगे, लेकिन ध्यान रखें कि जब हम यह काम करें तो गैस बंद होनी चाहिए और हल्का सा मिला लें। मिला लेने के बाद यहाँ हम गैस को ऑन कर लेंगे और 5-7 मिनट तक गाढ़ा होने तक पकाएंगे। लगातार चलाते हुए पकाएं ताकि यह जले नहीं। मिक्सचर के गाढ़ा और ठंडा हो जाने पर इसे हम एक कंटेनर में पोर कर देंगे। फ्रेंड्स, ऐसा करने से हमारी आइसक्रीम एकदम मार्केट स्टाइल बनेगी। कंटेनर को हल्का सा थपथपा लेंगे ताकि बबल्स निकल जाएं और लिड लगाकर 6-7 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 6 घंटे हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं आइसक्रीम जमी या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, आइसक्रीम जमकर तैयार है। अब हम चाकू की सहायता से पीस कट कर लेंगे, आइसक्रीम को मेल्ट नहीं करना। आइसक्रीम के कट किए हुए पीसेस को मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अब इलेक्ट्रिक बीटर की सहायता से आइसक्रीम को बीट कर लेंगे। यह काम आप मिक्सर में भी कर सकते हैं। देखिए, बीट करने से आइसक्रीम कितनी क्रीमी और फ्लफी दिख रही है। बीट की हुई आइसक्रीम में 4-5 टेबलस्पून क्रीम ऐड करें। अब फिर से आइसक्रीम को बीटर की सहायता से फुल स्पीड पर बीट करेंगे जिससे आइसक्रीम काफ़ी फ्लफी हो जाएगी। वाओ, देखिए कितनी क्रीमी और फ्लफी आइसक्रीम बनी है। यहाँ हम चोको चिप्स ऐड कर देंगे, हल्का सा फिर से बीट करेंगे, ज़्यादा नहीं। फिर से तैयार की हुई आइसक्रीम को कंटेनर में पोर कर देंगे। वाह, देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है, कितनी क्रीमी आइसक्रीम तैयार हुई है। कंटेनर को टैप कर देंगे ताकि एयर बबल निकल जाए। चोको चिप स्प्रिंकल कर देंगे, यह बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। कंटेनर को लिड लगाकर बंद कर देंगे और 7-8 घंटे के लिए फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। 8 घंटे हो चुके हैं, देखिए आइसक्रीम अच्छे से जमकर सेट है। अब हम इसे सर्व करने के लिए बाउल में निकालेंगे। देखिए कितनी क्रीमी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। आप इस आइसक्रीम को जरूर ट्राई करें और अपने कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपकी यह आइसक्रीम कैसी बनी। यह आइसक्रीम आप आने वाले गेस्ट को खिलाएं, किसी को नहीं पता लगेगा कि आपने घर पर बनाई है। अब यहाँ हम आइसक्रीम को गार्निश करने के लिए चॉकलेट सॉस डालेंगे और साथ ही साथ चोको चिप स्प्रिंकल कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट्स करने से ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम कुछ नया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत जल्द मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।